बेलीपार थाना क्षेत्र के कालाबाग ढाबे के समीप ट्रक और बाइक की भिड़ंत में 28 वर्षीय युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बेलीपार थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने शव को कब्जे में लेकर बीआरडी कॉलेज स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। साथ ही घेराबंदी कर भाग रहे ट्रक को चालक समेत गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि भवापार गांव निवासी 28 वर्षीय युवक जयराम प्रजापति महावीर छपरा चौराहे से अपने मामा से मिलकर वापस अपने घर भवापार जा रहा था कि अचानक काला बाग ढाबे के समीप ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे बेलीपार थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मरवड़िया कुआं चौराहे पर बने पुलिस चेक पोस्ट पर घेराबंदी कर भाग रहे ट्रक को चालक के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक युवक के भाई सूरज प्रजापति ने कहा। हेलो वो बैग 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 ले लीजिएगा। हमारा नाम सूरज प्रजापति है, हमारे भाई साहब का नाम जयराम प्रजापति। हमारे भाई साहब गए थे हमारे मामा के घर पे, मामा घर पे से गए थे, रिटर्न नहीं आए। वहाँ पे से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे उनका, फ़ोन करने लगे तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे, फ़ोन रिसीव करने के कोई कह ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद हम लोग फ़ोन किए तो थोड़ी देर बाद हमारे थाने पर से कॉल उठा तो रिसीव किए थे, तो उसके बाद बोले कि आपके भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग ने इधर थाने पे आया तो उधर कंप्लेन लिखाए हम लोग, उधर कंप्लेन लिखाए हम लोग। फिर वो लोग अपना हमारे भाई साहब को फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए थे। आपके भाई की मौके पे मौत हो गई थी? हाँ, तुरंत ही। किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? यही जैसे सामने वाले से। क्या है ये? ट्रक है। ट्रक है। 14 चक्का की ट्रक है। इसी गाड़ी से डेट हुए हमारे भाई का। गाड़ी का नंबर UP 64 AT 3140। इसी गाड़ी डेट हुआ हमारे भाई का। इसके पहले कहाँ रहता था आपका भाई? हमारे भाई यहाँ अभी कलकत्ता में रहते थे। कितने दिन पहले यहाँ आए? यहाँ पे आए हुए उनको 1 महीने हो गए थे। 1 महीने से ऊपर हो गए, 2 महीने करीब में हो गए थे। 2 महीने हो गए थे। शादी हो चुकी है? शादी उनका होने वाला था।